तिरस्कार किया, वहां से भगा दिया और भगवान के उस धनबाद के मनीराम अग्रवाल परिवार के द्वारा 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ, जिसके बाद प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक 6 सितंबर 2024 से लगातार आचार्य दीपक भाई जी जोशी वृंदावन वाले के द्वारा धनसार की भूमि को ब्रज भूमि बना दिया गया, जहाँ निरंतर भागवत रूपी ज्ञान की गंगा बह रही है और इस ज्ञान गंगा का समापन 13 सितंबर को हवन और प्रसाद वितरण के साथ होगा। इस कार्यक्रम के दौरान हर दिन भागवत के साथ साथ अन्य कार्यक्रम भी हो रहे हैं, जिसके तहत बुधवार को कृष्ण रुक्मिणी विवाह उत्सव मनाया गया। इस उत्सव में सरला अग्रवाल और अजय अग्रवाल के पुत्र कुणाल और पुत्रवधु दीपाली को श्री कृष्ण और रुक्मिणी के रूप में सजाया गया। दोनों ही इस रूप में बेहद प्यारे और मनमोहक लग रहे थे। इस दौरान रास का भी आयोजन हुआ, जहां श्री कृष्ण ने रुक्मिणी और गोपियों की संग्रास रचाया, जिसे देख सभी मंत्रमुग्ध हो गए। मौके पर आयोजनकर्ता सरला अग्रवाल ने कहा कि इस आयोजन के जरिए सभी ने आनंद का अनुभव किया। श्री कृष्ण रुक्मिणी के विवाह उत्सव के दौरान ऐसा लगा मानो हम साक्षात अपनी आंखों से द्वापर युग में हुए श्री कृष्ण रुक्मिणी के विवाह में शामिल होकर इस मनोहारी दृश्य को अपने सांसारिक नेत्रों से देख रहे हों। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 13 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को हवन के बाद प्रसाद वितरण के साथ ही इस यज्ञ का समापन हो जाएगा। राधे राधे। सबसे पहले तो सभी को ये अपना भागवत कथा जो है 6 तारीख से चल रहा है सिद्धि विनायक में धनसार, और ये 13 तारीख तक चलेगा। 13 तारीख को सुबह में होम होगा पहले, उसके बाद प्रसाद होगा। ये अपना प्रोग्राम जो है 13 तारीख तक। आज जो है कृष्ण जी का कृष्ण जी का जो है राधा कृष्ण जी जो है आज प्रोग्राम देगी नाटक के साथ में। ये दीपक भाई पटेल जी वृंदावन से आए, बहुत तरह के लोग आ रहे हैं, अपने परिवार के और भी अड़ोस पड़ोस दूर से भी आए हुए हैं, हरियाणा से भी आए हुए हैं, जयपुर से भी आए हुए हैं, दिल्ली से भी आए हुए, जितने भी अपने परिवार के हैं वो लोग भी आए, और भी सब काफ़ी लोग और भी सब काफ़ी आ रहे, सब आनंद ले रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है सबको। इसीलिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि जरूर आए और दीपक भाई जोशी जी के परिवर्तन दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं सभी से ये विनती करूँगा कि जरूर आए यहाँ पे और उनका भागवत कथा सुने। यही मेरा सबसे निवेदन है। राधे राधे। अजय अग्रवाल। हरि ओम सत्यनारायण नमः।